रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो फोर ईच लूप का जो यूज होता है मैम, वो होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रन करना। जहाँ पे आपको स्टार्टिंग और एंडिंग ना पता हो, आपको नहीं पता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से एंड होगा, बस आपको इतना पता है कि एक सिलेक्टेड एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चले, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे नेम, एक मिनट, मैं बहुत सारे नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ बहुत सारे नेम यहाँ लिख देता हूँ, जैसे पूजा, अब मुझे इन नाम को क्या करना है, कैप्स में कन्वर्ट करना। तो कैप्स में कन्वर्ट करने के लिए ना एक्सेल में किसी तरह का ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूला है कि आप यहाँ अपर फॉर्मूला लगा के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैप्स, या लोअर फॉर्मूला के लोअर में, बट वो ये अगले सेल में होगा। उसके लिए से मान लीजिए आपके पास 10 कॉलन है, तो 10 नया कॉलन ऐड और करना पड़ जाएगा उसको कैप्स में कन्वर्ट करने। ऐसा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक एरिया, जैसे एमएस वर्ड में होता है कि एक एरिया को सिलेक्ट किया और एक बटन पे क्लिक कर दिया, वो कैप्स में हो जाता है। कुछ ऐसा ही मैं चाहता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे सिंपल सा एक मिनट में बस भरा कर पाऊँ, मुझे यहाँ एक सिंपल सा एक मॉड्यूल सेंड किया मैंने, बुक हुई है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक सब्जेक्ट बनाया आर आर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हमने लिखा, मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू यू केस, ठीक है, यू केस रेंज। अब यू केस क्या है, अपर केस में कन्वर्ट करने का VBA का फॉर्मूला, एक किसका फॉर्मूला है, VBA का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रेंज A1 की वैल्यू इक्वल टू रेंज अपर केस A1 की वैल्यू, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि पूजा हो जा रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर रेंज B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, फिर D1 की वैल्यू, फिर ऐसे ही आपका यहाँ पे 11 की वैल्यू, फिर यहाँ B13 की वैल्यू, एक गचपच एरिया है। मैं चाहता हूं कि इस कोड को रन करूं कितना बार, जितना बार हमने एरिया को सिलेक्ट कर रखा है। तो हमें क्या है कि रेंज A1 C1 तो नहीं ले सकता ना, यहां पे लिख नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं कोई भी एरिया सिलेक्ट हो सकता है। तो यहां पे हम एक वेरिएबल लेते हैं R as a range, हमने बोल दिया कि जो R है वो एक रेंज है, A1 B1 C1 है, ठीक है, डिफाइन कर लिया हमने। फिर हमने फोर लूप को बोला कि फोर एच आर इन सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन ही हुआ। अब सिलेक्शन का जो एरिया है वो आर पे स्टोर हो गया। ऐसे आपको एरिया को स्टोर करना हो तो लिखना होता है सेट आर इक्वल टू सिलेक्शन, या रेंज जो भी लिखे सिलेक्शन दे दीजिए, या कोई पर्टिकुलर रेंज है तो रेंज दे दीजिए कि A1 से लेके C10, और A1 जो C10 जो है वो R हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिलेक्शन जितना एरिया सिलेक्ट है वो R पे सेट तो हो रहा है, बट 1 by 1, समझे। अब मैं अब A1 को तो नहीं लग सकता, अब जैसे कि रेंज तो R हो गया ना हमारा, तो जहां A1 यूज करना था वहां पे हम R यूज कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट R हमने कर दिया। अब यहां पे अगर मैं एफ करके एक एक करके रन करूं तो देखिएगा कि 1 by 1 जाएगा, इस तरह से टॉप टू बॉटम नहीं चलता है, ये चलता है आपका लेफ्ट टू राइट। देखिए मोहन चेंज हो गया, अब यहाँ पे कुछ देर बाद पूजा चेंज हो गया, यहाँ पे देखिए पूजा चेंज हो गया, अब यहाँ पे कविता चेंज हो गया, हो गया मोहन चेंज हुआ। तो इस तरह चलता है वो लेफ्ट टू राइट, और फिर सिलेक्शन को पूरा करता है, फिर टॉप बॉटम टू डाउन।
ये समझ में आ गया आपको? तो फोर इज का इतना ही यूज है कि जितना आपने ऑब्जेक्ट दिया है उसी हिसाब से वन बाय वन आपके कोड को रिपीट करेगा, ठीक है। आप इस सिलेक्शन के जगह पे एक पूरा का पूरा एरिया भी लिख सकते हो कि A1 से लेके E18। तो हमने यहाँ पे दे दिया कि रेंज A1 से लेके लेके E18, समझे। हम एरिया भी दे सकते हैं, पर ये फिक्स हो जाएगा। लेकिन इससे पहले सिलेक्शन था तो क्या था कि हम फ्रीडम दे कि जो एरिया सेलेक्ट करके माइक्रो रन करेंगे वही होगा, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, पिवट टेबल होता है, फिल्टर होता है। जैसे ए वर्क करता है ऐसे ए भी आपका वर्क करेगा। तो फॉर ईच एक-एक सेल के सेल को वो करता है, सेल इसको हम सेल कहना सही बात नहीं, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि सिर्फ सेल पे ही नहीं वर्क करता है, ये हर ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। अब ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ हम एक चीज और जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ हमने 3-4 सीट ले लेता हूँ, ठीक है, 3-4 सीट ले लिया। अब मुझे हर सीट का नाम चेंज करना है, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, इस तरह से, समझे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं और यहाँ हम लिखते हैं, अगर आप यहाँ लिखोगे कि 4i 1 2 लेके 10, ये भी कर सकते हो, या फिर हम यहाँ कर सकते हैं कि dim w as a verb sheet, ठीक है, और फिर 4h w in active verb book, समझे। और यहाँ पे next w और यहाँ लिख देंगे w dot name equal to data, पर एक नाम के दो फाइल तो नहीं बन सकता ना, इसलिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हैं r equal to r plus 1 और इसमें हम जो है r। अब इसको एक बार रन करें, एक्टिव वर्कबुक डॉट वर्कशीट, ठीक है, समझ आया आपको। इस तरह से इसका यूज हम करते हैं, ओके। अब इसका एक और यूज होता है, हमने आपका ऑब्जेक्ट देख लिया, अब इसका हम एरे पे भी इस्तेमाल करते हैं। एरे पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए हम आपको इस चीज के बारे में बताते हैं। जैसे हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नेम है, ठीक है, अब इस लिस्ट ऑफ नेम में कई चीजें रिपीट है, क्या है, कई चीजें रिपीट है, मतलब पूजा कई बार रिपीटेड है, तो मुझे इसका यूनिक चाहिए होता है वो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करके किसी और सीट पे ले जाते हैं और फिर यहाँ डेटा मेनू बार के अंदर क्या होता है, रिमूव डुप्लीकेट, हम इसको क्लिक करके रिमूव कर देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि बीबीए के जरिए हमें यूनिक नेम मिले और हम एक्सेल के किसी भी फीचर को ट्रिगर नहीं करना चाहते, बीबीए के जरिए हमें रिमूव डुप्लीकेट नहीं करवाना है, हमें इसमें से डुप्लीकेट को लेना है, समझे। तो तीसरा एग्जांपल क्या है, तो यहां क्या होगा कि मैं लिखूंगा कि dim dt एज ए न्यू कलेक्शन। अब डी टी एज ए न्यू कलेक्शन क्यों लिया, देखिए ये भी एक तरह का डेटा टाइप है, जैसे आपके ऊपर अगर स्ट्रिंग लेते हैं आपने, आप यहाँ पे अगर डिम टी एज ए स्ट्रिंग लेते हैं ना, तो क्या होगा कि आप टी के ऊपर एक ही वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम टी के ऊपर मैंने मान लीजिए कि हमने आपका नाम पूजा दे दिया, अब नीचे में अगर नीचे अगर मैं टी का नाम t इक्वल टू रवि कर दूं, रवि कर दूं, तो क्या होगा, आपका पूजा नाम रिप्लेस हो जाएगा t हो जाएगा, t पे रवि हो जाएगा, क्योंकि वो रिप्लेस कर देता है ना।
बट न्यू यहाँ पे हमारा एरे होता है। एरे क्या करता है, आप याद हो मैंने बताया था आपको, एरे क्या करता है कि आप एक से ज्यादा उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो एरे के लिए हमने बताया था आपको यहाँ से इसी के ब्रैकेट में 1 to 10 लेना होता है, ठीक है, 1 to 10। फिर यहाँ पे टी अंडर टी ब्रैकेट 1 पूजा, अगेन टी ब्रैकेट 2 रवि, राइट सर, राइट मैम, सॉरी। अब यहीं पे प्रॉब्लम आता है कि हमने डीटी न्यू कलेक्शन लिया, तो डीटी न्यू कलेक्शन जो है ऑलरेडी एक एरे ही है, इसको एरे ही मानेंगे, लेकिन प्री डिफाइंड एरे है, सिस्टम द्वारा डिफाइन किया गया एरे है। अब इसकी खासियत क्या है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करता। आपने मान dt इक्वल टू पूजा कर दिया, पूजा स्टोर कर लेगा, dt को रवि कर दिया, रवि स्टोर कर लेगा, जैसे ही dt इक्वल टू पूजा अगेन करेंगे वो एरर दे देगा, यूनिक वैल्यूज ही स्टोर करेगा, एक नाम एक वैल्यू एक बार, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे न्यू कलेक्शन लिया, क्योंकि हमें यहाँ से यूनिक नेम का लिस्ट चाहिए ना, तो यहां पे हम लिखेंगे dt डॉट एड, ठीक है, और क्या ऐड करना है तो हमने बोल दिया यहां पे रेंज a1 डॉट वैल्यू। अब यहां एक छोटा सा, इसमें आपको एक की देना होता है, की को या क्या देना होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके कॉलम में नंबर्स भी हो, नेम्स भी हो, समझ रहे हैं ना। अब नंबर को अगर मान लीजिए, नंबर मान लीजिए एक जगह पे नंबर 100 है, ये आपका 100 लिखा हुआ है मान लीजिए यहाँ पे 100, ये नंबर फॉर्मेट में, ठीक है, और नीचे 100 लिखा हुआ है जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो एक्सेल के लिए दोनों, आपके लिए दोनों एक है, बट एक्सेल के लिए दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे की में मतलब कि आपको बताना पड़ता है कि रेंज A1 की वैल्यू जो है किस फॉर्मेट में है। तो हमने यहाँ पे कर दिया CSTR और हमने डाल दिया। अब CSTR क्या हो गया पता है आपको, चेंज STR, चेंज स्ट्रिंग, A1 की वैल्यू चाहे जो भी हो उसको स्ट्रिंग में चेंज कर दो, समझे, तो सब उसको स्ट्रिंग मिलेगा तो सबको सही करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये तो लूप में चल रहा है ना, सिंगल A1 को कर रहा है, हमें तो लूप में चाहिए ना, तो यहाँ तो हमारे पास स्टार्ट टू एंड है ना, हमें पता है कि 1 से 80 तक करना है, तो यह हम फोर लूप लगा देते हैं, फोर आई इक्वल टू चले 1 to 80 और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आई, और यहाँ 1 को क्या कर देंगे आई के साथ मर्ज कर देंगे, कर दिया। अब जैसे कि इसको हम रन करेंगे तो डुप्लीकेट आएगी तो क्या दिखेगा, एरर देगा, तो हमें एरर से मतलब थोड़ी है, तो हम एरर को क्या करेंगे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, मतलब कि जो डुप्लीकेट होगा एरर देगा तो उसको ऐड ही ना करें, उसकी स्किप करके आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब सारा का सारा इंफॉर्मेशन डीटी पे ऐड है, अब मुझे dt के जो ऐड है मुझे यहाँ पे f कॉलन में शो करवाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे dt 1 by 1 ही देगा, अब मुझे ये नहीं पता कि कितना नंबर ऐड हुआ है, इसकी कोई गिनती तो नहीं है ना कि 5 है या 10 है या 15 है, 80 हमने 80 टोटल वैल्यू दिया है, 80 में से कितने नंबर यूनिक है जिसको लिया, इसकी आइडिया तो नहीं है। तो यहीं पे हम एरे में आइटम का यूज करेंगे फोर इच के अंदर, हम यहाँ पे देंगे कि फोर इच आइटम फिक्स है, फिक्स नेम है, ठीक है, फिक्स वर्ड है आइटम इन डीटी, कि फोर इच आइटम इन डीटी, आइटम को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, एरे के अंदर डाली गई वैल्यू जिसको आइटम कहता है, ठीक है।
तो बोला कि फोर इंच की हर एक वैल्यू जो डीटी में है, वैल्यू इक्वल टू आइटम, ठीक। और फिर मैंने यहां पे लिखा कि रेंज रेंज ए वन एफ एफ सॉरी एफ 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आइटम और फिर नेक्स्ट आइटम, समझे? तो फॉर ईच में वो फॉर ईच आइटम भी एक प्री डिफाइंड है। जब आपको एक एरे से या एक कलेक्शन से, एरे या कलेक्शन समझ लिए, एरे या कलेक्शन से कोई वैल्यू उठानी है तो आपको तो पता नहीं कितना है, लेकिन वैल्यू तो आपको 1 by 1 ही मिलेगा ना। करेक्ट। तो वहां पे हम फोर ईच का लूप लगाते हैं, लेकिन हम आइटम देते हैं और इन जो एरे है वो एरे वेरिएबल देते हैं, या आइटम फिक्स होगा इनके जगह यहाँ जो भी आपका एरे है वो एरे आ जाएगा, चाहे वो डीटी है जो भी आपने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। और जो वैल्यू होगी वो आइटम के थ्रू पास आउट होगी आपके सेल में, जहां पास आउट करना चाहते हैं। क्लियर है? चलिए, इसमें आगे एक लोअर बाउंड अपर बाउंड भी होता है, लेकिन फिलहाल उसको स्किप कीजिए, फिलहाल आप पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ओके। आ गया रिजल्ट? डाउट इसमें कोई नहीं? अब हम बात करते हैं कल वाली चीज जो आपको समझाना था। अभी जो ये भी चीजें समझाने जा रहा हूँ ये थोड़ा आगे की चीज है, इवेंट का चीज है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि कल हमने यहाँ पे